नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की खबर का जिहार बिहार से। पोठिया ओपी परिसर में रविवार को प्रशिक्षु डीएसपी अफाक अख्तर अंसारी की अध्यक्षता में होली व शबे बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जी हाँ, बैठक में सम्मेलित अंचलाधिकारी गुलाम शहीद, थाना अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार रॉय मौजूद थे। वहीं बैठक में होली व शबे बारात में पुलिस गश्त तेज रहेगी, साथियों असामाजिक तत्वों से पुलिस सख्ती से निपटेगी, लोगों में आपसी सौहार्द बनाने रखने के लिए अपील कर शांतिपूर्ण तरीके से होली व सभी बारात पर्व मनाने की अपील की गई है। जी हां, साथ ही कोरोना को लेकर सावधानी कर त्यौहार मनाने की अपील की गई है। जी हां, बताते चले कि बैठक में प्रखंड के जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य बुद्धिजीवी लोग शामिल रहे। तो क्या कोई भी उत्सव समारोह के हर्षोल्लास सौहार्दपूर्ण चैन अमन के साथ मनाने के लिए बैठक आयोजित की। हर तरह का एकदम मिलाप के साथ हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। रात को एकदम बिल्कुल घर में ही पतिया उतिया करके मिलाप करके करने का है। उसमें कोई जुलूस नहीं होता, कोई अंधे का जमा नहीं होता, बिल्कुल सब अपने कब्रिस्तान जाने की भी परंपरा है। शाम में किसी वक्त में चार लोग जाते हैं। भीड़ नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, एक साथ ये नहीं होगा, नहीं होगा कांटों का सामना। सब लोग मिलजुल कर होली और सभी बारात मनाएं, यही हम सबों की आज होली और शुभकामनाओं के साथ आए हुए तमाम अतिथियों का के तरफ से हम ओपी परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, साथ में जियो साहब का और बधाई देते हैं कि आपने इस तरह का आयोजन रखा, शांति समिति का बैठक रखा। और कहीं ना कहीं यह बैठक यह उद्देश्य जो एक अच्छे माहौल को पैदा कर रहा है, कहीं ना कहीं सामाजिक वातावरण को बिल्कुल एक अच्छे दिशा की ओर ले जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हरा रंग की हरी चुनरिया, रेशम की यह चोली है, हंस लो खेल लो मौज उड़ा लो, बुरा न मानो। सिविल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि आप जो भी अपने जमीन के लिए 20 बार चक्कर लगाना हमारे डीएसपी साहब ने कहा यार देखिए क्या बतावेंगे, होली में या सबे बारात दोनों है, ये दारू हमें परेशान कर रहा है। जैसे कि आमने सामने है सबे बारात का भी और होली का भी है, और कोरोना काल फिर से बढ़ रहा है, तो पहले तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पूर्व के भांति सम्मेलन में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कुछ हुआ हो, जहाँ तक उनको जानकारी है। हमको 7 महीना हुआ ही नहीं है, पिछली दफ़ा मुहर्रम में आए थे, किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ कभी किसी तरह का कोई दंगा फसाद या सांप्रदायिक टेंशन हुआ है। तो बहुत आप लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं और रिक्वेस्ट यही करेंगे कि शबे बारात में जो है लोग आए होंगे मुस्लिम समाज कम्युनिटी के भी, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने अपने घरों में कोरोना काल को देखते हुए जो भी आप अपना इबादत करते हैं घरों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, कब्रिस्तान जाना है तो इकट्ठे ना जाएँ, है ना। और होली का भी है कि अपना जो होली का जो होता है अबीर रंग ये करें, रोड पर जो है आर्टिस्ट तरह से मतलब वो हंगामा नहीं हो, जिससे कि भाई प्रशासन को और इसको जो कोई इसी तरह का कोई अप्रिय घटना या सूचना मिले
और यहाँ पर आकर के हम लोगों की बात प्रशासन की बात है वो आपके सामने रखना है। प्रशासन क्या चाहता है कोरोना के समय में, अभी भी जो गाइडलाइंस है कोरोना काल का उसके अनुसार इकट्ठा नहीं होना है, दूरी गैप मेंटेन करना है, मास्क जो है इस्तेमाल करना है, ऐसा कोई काम ना करना है जिससे कोरोना बढ़े। तो जो